वेलकम, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टे विद मी में और मैं हूँ आशीष शुक्ला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वैकेंसी के बारे में। ये जो है ना टीचर वैकेंसी है, टीचर की वैकेंसी है, मतलब अध्यापक की वैकेंसी है। किसकी? टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर और पीआरटी प्राइमरी वाले टीचर की और टीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ये किसमें है? रेलवे का एक कॉलेज होता है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो भी सरकारी संस्था है, मान लो रेलवे है या डिफेंस है, इनके अपने अपने स्कूल्स वगैरह भी होते हैं। तो रेलवे के जो स्कूल हैं उनमें ये वैकेंसी आ रखी है इन टीचर्स के लिए। और ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसर, मतलब संविदा पर भर्ती है ये अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं, ये संविदा पर वैकेंसी है। हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये संविदा पर भर्ती है। तो हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन कि कब से फॉर्म शुरू, कब से ख़त्म, कितने पैसा फॉर्म फीस लगने वाली है और आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। और ये सिर्फ मैं बता दूँ, सिर्फ आपका इंटरव्यू बेस पे भर्ती है। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर आप उसके अनुरूप पाए गए पढ़ाने के लिए तो आपके लिए जो है ना ये जॉब खुली है। आप इसमें टेम्परेरी बेसिस पे काम कर सकते हैं और ये जरूरी होती है कई बार जो है ना। मान लीजिए अभी जो यूपी में शिक्षक की भर्ती आ रखी है वो कैंसिल हो रखी है, उसमें विवाद चल रहे हैं, तो तब तक आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कुछ इनकम भी हो जाएगी और कुछ आपकी पढ़ाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसी माने जब आप एग्जाम वगैरह देंगे फ्यूचर में तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा। खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम ही कर लेते हैं। अब ये टीचर की वैकेंसी टीजीटी पीआरटी मांग रखे तो इसमें करीब करीब 20-25 हज़ार रुपये तो मंथली आपको देगा ही देगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेगा तब भी देगा, ठीक है? तो चलो हम शुरू करते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में ये पढ़ता है। वॉकिंग इंटरव्यू, सिर्फ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू भरती है। इसकी डेट देख लेते हैं, ये 10/9 को ये जो ना इन्होंने जारी किया था। और इसके बारे में और हम देख लें थोड़ा सा। प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, मतलब कि ये आपके लिए पार्ट टाइम जॉब रहेगी। मतलब कि आपको पूरा समय भी नहीं देना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय जो भी इनके 2-4 पीरियड रहे हैं ये आपको इंटरव्यू वगैरह बताएंगे, आप पार्ट टाइम इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? एंगेजमेंट फॉर मैक्सिमम 200 और लेस वर्किंग डे, मतलब 200 दिन के लिए आपके पास काम रहेगा या इससे कम रहेगा, ठीक है? मैक्सिमम टीचिंग पीरियड अप टू 5 इन ए डे, मतलब 5 पीरियड मैक्सिमम रहेंगे। 5 पीरियड मैक्सिमम, अगर 30 मिनट का एक पीरियड मानो तो जोड़ लीजिए आप कितने कम पीरियड हैं। और एक अगर पूरा स्कूल चलता है तो उसमें करीब करीब 8 पीरियड रहते हैं। आपको एक टाइम का पार्ट टाइम स्कूल के लिए जॉब रहेगी। पार्ट टाइम जॉब करिए, आपको अच्छा पैसा भी मिल जा रहा है और अपनी फ्यूचर की तैयारी भी करते रहिए, क्या बुरी बात है इसमें? जब वैकेंसी है तो उसमें फिलअप कर लो रेगुलर वाली वैकेंसी। अब देखो इसके लिए लाइक रेलवे की तरह, ये रेलवे का स्कूल है पर रेलवे की तरह इसमें आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी लाइक लीव, मेडिकल पासेस, पीटीओ, ये सब चीज़ें आपको नहीं दे, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा है, ठीक है? और इसमें डिटेल में आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है? और इसमें जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए? 18 से 65 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये कौन से रूल? केवी, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो उसके रूल हैं वही रूल्स आपके ऊपर भी लागू होते हैं। 18 से 35 साल आपकी, 65 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है? लेक्चरर जो पीजीटी के लिए, उनके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से? बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब में एक एक वैकेंसी है। तो टोटल पीजीटी के लिए ऐसे करके हर सब्जेक्ट में देखो वैकेंसी, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 8 वैकेंसी है टोटल। तो आप क्या कर सकते? और इसकी पेमेंट देख लो 27,500, एक अच्छी पेमेंट आपको 5 पीरियड पढ़ाने की पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको दे रहे हैं ये लोग। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपने पीजीटी वगैरह के लिए कर रखा है। हम नीचे देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए पीजीटी के लिए। अब टीजीटी के लिए देख लेते हैं हम। टीजीटी के लिए क्या है ये देखो, म्यूजिकल के लिए, पीटीआई, मेल के, इंग्लिश के लिए, मैथ प्लस साइंस के लिए, ये टोटल वैकेंसी ऐसे करके 10 होती है टीजीटी के लिए। मैथ, साइंस, स्कूल साइंस, हिंदी प्लस संस्कृत, सारी वैकेंसी। और इसमें भी आपको 26,250 रुपये आपको तनख्वाह मिलेगी 5 पीरियड पढ़ाने की, पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए, ठीक है? प्राइमरी टीचर की टोटल 7 वैकेंसी है, ठीक है? और आपको पेमेंट रहेगी 21,250 रुपये। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार टोटल जो भर्ती हुई सारी जोड़ के, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्राइमरी, सब जोड़ के टोटल 25 वैकेंसी है। और ये पार्ट टाइम जॉब आपको 5 पीरियड पढ़ाने हैं, ठीक है? मतलब हाफ डे का आपका प्रोग्राम रहेगा और आपको करीब करीब 25,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाले हैं 5 पीरियड। तो एक बेहतरीन जॉब है, आप पढ़ा सकते हैं और आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते रह सकते हैं, फ्यूचर में आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए देखेंगे हम। जो आपका सब्जेक्ट हो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? जो भी आप सब्जेक्ट में, पीजीटी एक लेक्चरर टाइप का होता है, तो इसमें क्या है, जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? मास्टर डिग्री जैसे इन्होंने लिख रखा है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, ठीक है? ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद ए तो ये हो गया, ये चीज़ हो गई। बी में क्या चाहिए? बीएड एग्जाम आपके पास होनी चाहिए या किसी और शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास कोई डिग्री वगैरह, प्रोफेशनल डिग्री वगैरह टीचिंग में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है?
प्रोफेशन इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री 50% के साथ में होना चाहिए, ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी डिग्री होनी, जैसे म्यूजिकल में आप कर रहे हैं तो आपके पास म्यूजिकल में डिग्री होनी चाहिए, और वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वीडियो पर। टीजीटी के लिए देखो, अगर आप पीटीआई वगैरह बनना चाहते तो आप पीटीआई क्या फिजिकल जो सुबह से पीटी वगैरह कराते हैं तो उन टीचर के लिए बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या बीपीएड जिसे कहते हैं वो आपके पास होने चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास बीए जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो आपने इंग्लिश में कर रखा हो, ये सारी चीज़ें हैं टीजीटी के लिए। और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड का ये डिग्री आपके पास भी होनी चाहिए, मतलब आप क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए आपके पास अगर आपको टीजीटी में पढ़ाना है। ये किसके लिए, टीजीटी। और पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए था, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, और पोस्ट ग्रेजुएट में कितने थे 50% उसमें मार्क्स थे, और इसमें मार्क्स का इन्होंने कोई क्राइटेरिया फिट नहीं किया है, ठीक है। आपके कोई भी मार्क हो डिग्री नहीं, इन्होंने मार्क्स फिट कर दिए हैं टीजीटी के लिए भी, देखिए भाई 50% का लगा रखा है, सिर्फ ये म्यूजिकल के लिए लगा रखा है, ठीक है, लेकिन बाकी के लिए इन्होंने 50% का क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया है, ठीक है। और ये भी देखिए, बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आपको जो है ना ये समझिए कि आप चाहे टीजीटी दो चाहे आप पीजीटी दो, सबके लिए अगर आप पीजीटी दे रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट, टीजीटी दे रहे हो तो आप ग्रेजुएट हो, तो पीजीटी में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 50% और टीजीटी ग्रेजुएट में भी आपको 50% मार्क्स ही मिनिमम चाहिए। इसके साथ साथ बीएड डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए आपके लिए क्या चाहिए, तो इसमें देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट, ठीक, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद और इंटरमीडिएट वही 50% मार्क्स, इसके बाद बीएड डीएड और इक्विवेलेंट डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम ए रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी, आपके पास कोई डिग्री बीएड वगैरह की या डिप्लोमा वगैरह जो शिक्षा शास्त्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, वो आपके पास होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाई सीटेट प्राइमरी स्टेट या टेट प्राइमरी लेवल, आपके पास टेट का या सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल टीचिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ानी आती होनी चाहिए, ये पीआरटी की थी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। और ये देख लीजिए चीज़ जो इन्होंने लिखी है, पीआरटी के लिए ही सिर्फ सीटेट और जो है ना टीटेट की टीईटी की रिक्वायरमेंट लगाई, और बाकी इसके पहले आप देख लीजिए कहीं इन्होंने, आप देख सकते हैं कहीं पर भी इन्होंने सीटेट इसमें भी क्वालिफाई मांगा है और टेट इसमें भी मांगा है। तो भाई आपको अगर सीटेट और टेट क्वालिफाई इसमें है तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए देख लीजिए पीजीटी के लिए इन्होंने कहा कहा है, पीजीटी के लिए इन्होंने नहीं मांगा है, पीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और इसमें ना इन्होंने टेट वगैरह मांगा या ना इन्होंने सीटेट वगैरह कुछ मांगा है पीजीटी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है आपके पास। अगर आप टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, टीजीटी और पीआरटी के अप्लाई करते हैं तो आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए या टेट का, या फिर टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पढ़ा सकते हैं। और पीजीटी के लिए आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी सीटेट और ना ही टेट की रिक्वायरमेंट है, बस आप क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट 50% के साथ में। तो हमने सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में जो एजुकेशन वगैरह है वो डिस्कस कर ली। लास्ट डेट हमारी क्या है, 27 अक्टूबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर के पहले पहले आपके फॉर्म भर के पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन है। कहाँ पहुंचना है, द प्रिंसिपल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टोंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, पिन कोड नंबर फला फला फला, थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली, बिफोर 27 तारीख के पहले आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आपको भेज देने हैं, बात समझ गए आपको। नीचे कौन सा प्रोफॉर्मा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्रोफॉर्मा किसी भी दुकान से जाइए, नेट कैफे से एक प्रिंटआउट निकालिए, भरिए फॉर्म, अपने सारी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनको फोटोकॉपी कराइए, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, सारी चीज़ें लगा के 27 तारीख के पहले इस एड्रेस पर भेज दीजिए, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट विल फॉर इंटरव्यू, ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, नोटिस बोर्ड जो है ना कॉलेज का वहाँ पर लगा दिया जाएगा 31 तारीख को, मतलब ये काम जल्दी जल्दी होने वाला है, ऐसा नहीं कि भर्ती ये 60,000 जो 68,000 चल रही थी, दो साल से चल रही, तीन साल से चल रही, भर्तियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये जल्दी हो जाएंगे। 27 तारीख लास्ट डेट और 31 को मेरिट लिस्ट आपकी आउट हो जाएगी, इंटरव्यू नाम छप जाएगा, अगर आपका इंटरव्यू नाम आता है तो आप जाके इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। 1 तारीख को नेक्स्ट अगले दिन 1 नवंबर को ही इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे, 1 नवंबर को ही इंटरव्यू आपका हो जाएगा और जल्दी से आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आपको प्रिंसिपल चैम्बर एनसीआर कॉलेज टुंडला में ही आपका इंटरव्यू होगा, टाइमिंग वगैरह दे रखी है, पीजीटी के लिए टाइमिंग 8:30 बजे,
1 तारीख को, TGT के लिए 2 तारीख को है, 2 नवंबर, और PRT के लिए 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, आपको अप्लीकेशन का एक छोटा सा दिखा दूँ, प्रोफॉर्मा क्या है, कौन सा भर के भेजना, ये है, ये सारी चीज़ें आपको नेम कंडीशन, अरे आप तो उस्ताद लोग हैं, आप सब भर देंगे, मास्टर लोग हैं तो ठीक है, सारी चीज़ें हाई स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आप भर लेंगे इसमें, और इसी का प्रिंट आउट, अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो वोटो लगा के इन्वेलप भर के उस एड्रेस पर 27 तारीख से पहले पहुंच जानी चाहिए, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी अगर कोई समस्या रहती है, समाधान चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक खुशखबरी की बात कि जल्द ही आपका जो ये फेवरेट चैनल स्टडी विथ मी अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, कुछ ही दिनों में आप इसकी वेबसाइट देख पाएंगे, वहाँ जाकर सारी जानकारी ले पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को ले लाइक शेयर और सब्सक्राइब सारी चीज़ें करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।